अब बात राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसानों की ऋण माफ़ी का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसकी आर्थिक सेहत क्या इसके ऋण माफ़ी के अलाउ कर रही है, कहां से लाएगी राज्य सरकार पैसा, अब उसकी आर्थिक सेहत पे जरा एक नज़र डालते हैं। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। राजस्थान की स्थिति यह है कि उसके यहाँ जो है लगभग 59 लाख किसानों ने 1 लाख करोड़ का ऋण ले रखा है और राज्य सरकार का जो बजट का साइज है वो 1,90,000 करोड़ का है। इस लिहाज से जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, जिसके जीडीपी और जीएसडीपी बोलते हैं, उसका जो रेशियो बैठ रहा है, यानी कि सरकार के ऊपर जो लायबिलिटी है उसका रेशियो बैठ रहा है 33%, और ये किसी भी सूरत में 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25% भी ज़्यादा माना जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि 25% तक यदि लायबिलिटी रहती है कुल जीडीपी का तो वो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसका है 33%। और जब गहलोत सरकार ने जो ऋण माफ़ी का ऐलान किया है उसमें जो जिस तरह से वादा किया गया था कि किसानों का पूरा ऋण माफ़ करेंगे, 2 दिनों तक इस बात पे ही मत्थापच्ची करते रहे कि कहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि राज्य सरकार जो है ये बजट में जो व्यवस्था की गई थी कुल 28,000 करोड़ लोन ले सकती थी, जिसमें से ऑलरेडी पूर्ववर्ती सरकार जो है वसुंधरा सरकार 24,500 करोड़ का ले चुकी है, तो उसके पास ज़्यादा लोन लेने की भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन 2 दिन के मत्थापच्ची के बाद गहलोत सरकार और राजेश सचिन पायलट ने जो डिसीजन लिया उसमें ये किया कि हम ठीक है, जो गरीब किसान हैं उनका जो है 30 नवंबर 2018 तक का 2 लाख का ऋण माफ़ करेंगे, यानी कि जिन्होंने व्यवसायिक एवं नेशनलाइज बैंकों से या सहकारी बैंकों से 2 लाख तक का ऋण लिया है उनका माफ़ कर देंगे। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशंस है किन किसानों का, तो उसमें फिर उन्होंने पंजाब की तरह बताते हैं कि कुछ शर्तें रखी है और इस वजह से जो 99,000 करोड़ बजट लोन माफ़ी की ज़रूरत थी वो सिर्फ उन्होंने 18,000 करोड़ तक रखा है, यानी कि साफ है कि राज्य की जो आर्थिक सेहत है वो ठीक नहीं है। इसके बावजूद ऋण माफ़ी हुई होनी भी चाहिए, किसान गरीब हैं, नो डाउट उनको अपनी फसल का MSP नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी जिन राज्यों ने भी इसका ऐलान किया उसकी आर्थिक सेहत इस बात को अलाउ नहीं करती है, वो कर्ज लेकर के एक तरह से कर्ज को निपटाएगी, ये है राजस्थान की स्थिति। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।